आज हम जो है समुद्र में एक ऐसे प्राणी की बात करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे जिसके बारे में बड़े बड़े छोटे बहुत लोग कम जानते हैं और इसके वो बहुत जानते नहीं है इसके बारे में, पर ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये इसके पीछे कैसी कैसी कहानियां और कैसी कैसी बातें हैं हम इसको थोड़ा समझेंगे आज है। तो आज हम रेस, एक मछली होती है रे, उसके ऊपर बात करेंगे। समुद्र के अंदर होती है रे मछली है, पता नहीं आप में से कितने जानते हैं नहीं जानते हैं, पर हम सीखते हैं आज इसके बारे में। तो अगर इसकी माइथोलॉजी के बारे में हम देखें, माइथोलॉजी यानी जो कहानियां बनाई हुई होती हैं, जैसे पुरानी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां जैसे मान लो उनको, तो उसमें ये माना गया है कि जैसे ग्रीस में एक राजा था, ग्रीस मैंने आपको दिखाया इंडिया से अगर हम चलते हैं मेरे एरो के साथ चले, मेरा एरो चला लेफ्ट में तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान, ईरान के बाद टर्की और टर्की से लगा हुआ ये ग्रीस है रेड वाला देश। तो यहाँ की एक माइथोलॉजी है कि ओडेसी यहाँ का राजा था और वो एक बार लड़ाई हो रही थी कहीं, तो उसके बेटा भी उसके साथ में था और उस लड़ाई में क्या हुआ कि उस लड़के के पास एक स्टिंग रे का डंक था, है ना, वो मैं दिखाऊंगा आपको, और उससे एक्सीडेंटली लड़ाई में वो करते करते एक्सीडेंटली ही उससे उसके पापा को लग गया, वो पापा उसके मर गए। तो ये भी एक कहानी है कि भाई ये ओडेसी जो राजा था ये स्टिंग रे के डंक से मरा था, है रे मछली के डंक से मरा था। और ये माइथोलॉजी जो न्यूजीलैंड के लोग हैं, न्यूजीलैंड के लोग जो ओरिजिनल लोग हैं वो ये लोग हैं जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, इनको मुआरी लोग बोलते हैं, ये वहां के ओरिजिनल लोग हैं। और वहां का एक पंगा एक वहां का एक सुपर नेचुरल जैसे देवता मान लीजिए, है ना, वो लोग ये बोलते हैं कि जितनी भी ऐसी चीजें जैसे शार्क, लिजर्ड, रेज जो है ये सब पंगा ने बनाई है, जितनी भी ऐसी जो चीजें हैं जो देखने में उनको उनके हिसाब से इतनी सुंदर नहीं है, पर कुदरत की हर चीज सुंदर है, और उनके हिसाब से जो भी खूबसूरत चीज नहीं है वो पंगा ने बनाई है, हैं? तो ये मुआरी लोग हैं जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। जैसे आपने मुआना मूवी देखी होगी उसमें ये जो करेक्टर्स हैं ये मुआना जाति के हैं और ये न्यूजीलैंड की ही कहानी थी, है ना। तो ये न्यूजीलैंड है कहाँ पे, अगर हम चले इंडिया से, ये हमारे इंडिया एकदम किनारे पे है, वहां से अगर हम नीचे आ जाते हैं ये इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन के बाद ये ऑस्ट्रेलिया, और ये जो आइलैंड है दो बल्कि तीन आइलैंड है छोटे छोटे, एक दो बड़े हैं एक छोटा है, है? ये जो सदर्न हिस्सा है यहाँ पे ये मुआरी लोग रहते हैं, है? मुआरी लोगों का ये मूल निवासी लोग हैं यहाँ के न्यूजीलैंड के। और इनका एक बहुत मजेदार डांस होता है, मैं आपको डांस दिखाना चाहता हूँ, आप डांस देखिए मुआरी लोगों का डांस। ऐसा लगा आपको डांस ही है ये, वाकई जो वॉरियर्स हैं जब लड़ाई पे जाते हैं तो ये डांस करते हैं, ये मुआरी लोग हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि मुआरी लोग कैसे होते हैं मैंने दिखाया आपको। अब हम रे मछली पे वापस आते हैं। तो रे मछली जो है ये फिश किंगडम यानी मछली है एक तरीके की, और ये तकरीबन 630 से भी ज्यादा तरीके की मछलियां हैं ये, अगर हम कहें कि भाई एक तरीके की, ऐसा नहीं है, इसमें 630 तरीके की प्रजातियां हैं, है ना। और इसमें जैसे आपको मैंने दिखाया चार पांच की मैंने आपको फोटो दिखाई जिसके बारे में हम डिटेल से आगे देखेंगे, है? तो आप कहेंगे अभी आपको लग रहा होगा कि ये शार्क मछली मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, पर ये शार्क नहीं है, ये भी एक तरीके की रे मछली है। अब रे मछली में, शार्क मछली में और बाकी मछलियों में क्या फर्क होता है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि ये देखिए
ये लग रही है इसके फिन्स में सब दिख रहे हैं कि शार्क जैसी है, पर ये शार्क नहीं है, ये रे है, है? तो रे मछली क्या है? रे मछली जो एक कार्टिलेज से बनी हुई मछली है, जैसे कि हमारी शार्क मछलियां हैं और हमारी रे मछली है, ये जैसे हमारा कान की हड्डी है, नाक की हड्डी है, ये नाक है हमारी, कार्टिलेज है, ये सॉफ्ट है, हड्डी है, पर ये इसे बोलते हैं कार्टिलेज, ये कार्टिलेज होती है और ये इस चीज से बनी हुई होती है ये मछली। जो शार्क मछली है उसमें भी बहुत कम हड्डी है और वो ज्यादातर कार्टिलेज से उसका स्केलेटन बना हुआ है, जो स्केलेटन है उसके दांत और कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सब कुछ कार्टिलेज है। उसी तरह से ये रे मछली भी जो है ये सारी की सारी इसमें इसका कुछ हिस्सा छोड़ के सारी की सारी जो है कार्टिलेज से बनी हुई है। तो ये बहुत लाइट होती है ना, हड्डी होती भारी होगी तो ये नीचे चली जाएगी, पर ये इसको कुदरत ने ऐसा बनाया कि हल्के होने के लिए इसको कार्टिलेज से बनाया है, कार्टिलेज से बनी हुई है। और इसके अंदर एक बहुत मजेदार बात है, आप ये देख रहे होंगे इसके अंदर ये लाइन लाइन सी दिखाई दे रही है आपको, लाइन लाइन से दिख रही होगी, ब्लू ब्लू नसें जैसी, पर ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसी के लिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, इसको बोलते हैं एम्पुले ऑफ लोरेंजिनी। लोरेंजिनी एक साइंटिस्ट था, उसने इस पे स्टडी करी, ये इस मछली की आंख तो ऊपर है और मुंह नीचे है, ये खाएगी कैसे, खाती कैसे होगी, तो उसने इसको थोड़ा स्टडी किया। तो स्टडी करने में उसको पता चला कि इसके नीचे जो ये नसें हैं, ये जो इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट्स छोड़ती है पानी के अंदर, और जो सी फ्लोर पे हर एक पानी जो वहां रह रहा है, जो भी कीड़ा मकोड़ा या मछली छिपी हुई है, वो भी एक इलेक्ट्रिक करंट अपना छोड़ती है हर एक के अंदर, जो वो सांस लेती है तो छोड़ती है, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेती है उस करंट को, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक सेंसर से ही अपने खाने को ढूंढती है। कैसे ढूंढती है मैं आपको देखिए, We live in a world full of electric fields. Animals, plants, even the earth itself creates them. But only a handful of creatures can actually sense them. Sharks, also rays and skates, a whole group, animals called elasmobranchs, can actually detect electricity. Maybe it's like feeling the presence of someone hiding in a dark room. जो बच्चे हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं समझ पा रहे, मैं उनके लिए थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ कि ये हर एक प्राणी जो भी पृथ्वी पे है, हम भी अगर बैठे हुए हैं तो हमारे अंदर से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। और ये समुद्र में जो प्राणी छुपे हुए हैं, जैसे ये आपने देखा होगा, देखिए a different way of experiencing their world, an extra sense that we don't have, and for sharks and rays, an extra edge for finding their prey. The discovery of this exceptional sense dates back 300 years, long before the discovery of electricity, to a man named Stefano Lorenzini. Lorenzini was a doctor with a passion for anatomy who one day found himself dissecting a ray, which is where he noticed the strangest thing, tiny pores that dotted. ये Lorenzini जो था, ये इटली का एक साइंटिस्ट था, और वो एक बार इस रे मछली को देख रहा था, और उसने जब डिसेक्शन किया तो उसने देखा छोटे छोटे दाने से कुछ कुछ एकदम छेद छेद से दिखाई दे रहे हैं उसको, तो उसको उसने स्टडी करना किया, ये 300 साल पुरानी बात है आज से, तो the raised skin. He drew a picture. It shows how each pore led to a tube full of goo, and each tube ended in a little pouch. Those little round pouches reminded him of ancient Roman flasks called ampullae. तो इसको ampullae क्यों बोला गया? देखिए ये जो छोटा सा सुराही जैसा बर्तन है ना, इसको उस जमाने में ampullae बोला जाता था। तो ये जो इसका ग्लैंड है, जो वो मछली का, वो उसकी शेप भी वैसी है, तो इसने उसको एम्पुले बोला, इसलिए इसको एम्पुले ऑफ लोरेंजिनी बोला गया। ये साइंटिस्ट का नाम लोरेंजिनी है और ये एम्पुले है। अब ये कैसे काम करता है? So that's what he called them. But when it came to the function of those ampullae, Lorenzini was stumped. 3 centuries later, we're still figuring out exactly how electroreception works. And a big part of that is studying what makes these electric fields in the first place. Every time this fish opens its mouth to breathe, it exposes its mucous membranes to the salty water, creating a tiny voltage that disappears every time the mouth closes. At Florida Atlantic University, scientists are actually able to measure this phenomenon. That repeating on-off pattern is... देखिए जब मछली मुंह खोल रही है सांस लेने के लिए और मुंह बंद कर रही है, उसी में पानी के अंदर और जो नमक का पानी है उसमें करंट ज्यादा अच्छे से फ्लो करता है,
तो ये देखिए ये जो मछली है मुंह बंद कर रही है खोल रही है, तो एक तरीके का करंट की जो ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है आपको ये बन रहा है, और जो रे मछली है वो इस ग्राफ an electric frequency carried easily through salt water. 2 hertz, 2 breaths a second. Stingrays like these can tune into that same frequency, like a radio channel. Take a close look at a stingray and you can see those pores. They lead to long canals that cluster together. When an electric charge enters a pore, it travels through the highly conductive gel in the canal to the ampulla, where special cells detect the current and send a message along nerves to the brain. That's how stingrays can spot prey hidden beneath them, even though their eyes are on top of their heads. But the ampullae aren't just for hunting. Pores on the ray. तो ये क्या करती है? देखिए, उससे इसकी आंख ऊपर है, फिर भी ये नीचे उस करंट से पता लगा लेती है, और ऊपर ही नहीं, जो अगर इसके ऊपर की तरफ भी ये छेद हैं, जिससे ये नर्व्स इसके दिमाग में इसको बता देती हैं, अगर ऊपर से भी इसको कोई आक्रमण करेगा, तो इसको पता चल जाता है। अब इन्होंने क्या किया? एक जमीन के अंदर फ्रश के अंदर इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा। अब देखिए मछली कैसे रिएक्ट करती है। His back also let it know if someone's trying to sneak up on it from behind. Here, the researchers placed diodes on the floor of a tank, replicating the same electric frequency as a breathing fish. They flip the current from circle to circle, and the ray strikes the active target. Maybe by studying how this sense works, we can. तो आपने देखा कैसे वो जैसे ही उसने फ्लोर में जहाँ पे करंट छोड़ा, वो एकदम से उस तरफ आती है। तो ये इस तरह से शिकार करती है अपने जो भी जिसको खाती है। वो जो करंट थोड़ा सा अपने पानी अपनी सांस की वजह से अपने मुंह खोलने बंद करने की वजह से पानी में छोड़ रहा है, उसको डिटेक्ट करके उसका शिकार करती है। इसको दिखता नहीं है नीचे, पर ये शिकार कर लेती है। और ये आज से नहीं, करीब 150 मिलियन साल पुरानी हमारे को फॉसिल मिला। फॉसिल बोलते हैं कि पत्थर के अंदर या कहीं पे जो उसको वो दब गया और प्रिजर्व हो गया वैसा का वैसा ही, तो वो करोड़ों साल तक वैसा ही रहेगा। जब हम उसको खोलेंगे तो उसकी सिर्फ अवशेष मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जुरासिक जमाने का है, 150 मिलियन साल पहले का उसका अवशेष हमें मिलता है। तो इसका हमें पता चलता है कि रे इतनी पुराने जमाने से ये मछली है। और अब हम देखेंगे कितने तरीके की होती है। तो सबसे मजेदार और सबसे बड़ी वाली जो है वो है मेंटा रे। आप याद रखिए, आपसे कोई पूछे कि भाई सबसे बड़ी मछली मेंटा, सबसे बड़ी रे मछली कौन सी है, तो आप बताएंगे मेंटा रे सबसे बड़ी। ये इस मान लीजिए कि अगर कोई 6-6.5 फुट का आदमी है तो उसको 3 गुना कर लीजिए आप, 3 गुना 6 फुट वाला, यानी मेरे जैसा आदमी 3 दफे खड़ा होगा, तो इतना बड़ा जानवर है ये। 1000 किलो इसका वजन है, और बहुत ये करीब 400 मीटर पानी के अंदर डीप भी चले जाती है और बहुत गहरे पानी में भी चले जाती है। और ये इसके ऊपर आपको एक व्हाइट पैटर्न से दिख रहे होंगे ना, जैसे मार्बल के ऊपर संगमरमर पे दिखते हैं, ऐसे इसके ऊपर हर मछली के ऊपर अलग पैटर्न होगा। जैसे शेर के ऊपर, जैसे हमारी उंगलियों के पैटर्न एकदम अलग होते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स, वैसे इसके भी अलग मार्किंग है। और ये संसार, ये सबसे बड़ी रे है, इसको बोलते हैं मेंटा रे। इसका नाम मेंटा क्यों रखा गया, ये भी बड़ी मजेदार कहानी है। स्पेन के जो स्पेनिश लोग थे, वो जब मछली पकड़ने जा रहे थे तो उन्होंने इस मछली को देखा और उनको लगा कि ये जो है एक कोई ऐसी चीज है, जैसे ये क्लॉक पहना हुआ ना, जैसे हम ये कपड़ा दिख रहे हैं आपको दिख रहा है, उन्हें लगा कि कोई ऐसा है, अगर हम इस पानी में चले गए तो हमारे को अपने ऊपर ऐसा लपेट लेगा और हमको मार देगा, हमको अपने साथ ले जाएगा पानी के अंदर। तो उन्होंने डर के इसका नाम, और इसको इस कपड़े को स्पेनिश में मेंटा बोलते हैं, मेंटा, इसलिए इसका नाम उन्होंने मेंटा रख दिया। ये मेंटा रे है कि भाई ये जैसे आपने ड्रैकुला की कहानी सुनी होगी, तो उसमें वो ऐसा कपड़ा पहनता था ना, ये मेंटा रे, इसलिए इसका नाम मेंटा रे। और दूसरी बात इसकी ये है कि इसके इसके ऊपर जो ये इसका, क्योंकि कार्टिलेज वो मैंने आपको बताया था, ये हमारे जैसे कान के हड्डी से बना हुआ है, हल्का होता है, इसलिए ये क्या है पानी में तैर सकता है। और ये अपने अंदर से एक तरीके का तेल निकालती है अपनी बॉडी के ऊपर, इसकी वजह से बड़े आराम से तैर सकती है, बॉडी में पानी नहीं लगता इसका, पानी में रहती है, पानी में टच होती है, पर वो ऑयल जो इसके ऊपर अपने ऊपर एक तरीके की ऑयल लगा लेती है, जिससे कि ये आराम से पानी में तैर सकती है। और इसके अंदर क्या है, ये तैरना इसके लिए जरूरी है, अगर ये नहीं तैरेगी तो ये मर जाएगी, खासकर मेंटा रे, ये जिंदगी भर तैरती रहती है, जिंदगी भर जब से पैदा होती है जब तक मरती नहीं है, तैरती रहती है, क्योंकि इसको
तैरने के लिए अपने मुंह में पानी जाना, फ्लो करना, जब ये तैरेगी तो पानी इसके मुंह में जाएगा, उसी से सांस लेगी, है ना, और इसलिए ये इसका तैरना जरूरी है। और एक बात और है इसके बारे में, ये इतनी बड़ी होने के बावजूद भी सबसे छोटा प्राणी खाती है, बहुत ही जेंटल होती है, बहुत जेंटल होती है। आप इसके साथ जाएं खेले, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ये जब तक आप इसको तो कुछ तंग ना करें ये आपको कुछ भी नहीं कहेगी, अगर आप इसको तंग करेंगे तो ये चली जाएगी, आपको कुछ नहीं कहेगी, आपसे पास से चली जाएगी। और ये सबसे छोटा प्राणी वो इसको खाती है, रीफ पे होती है, और ये इसके आप ये दो कान जैसे देख रहे होंगे, वो कुदरत ने बड़ी स्पेशल चीज बनाई है, क्योंकि ये छोटे छोटे प्राणियों को खाती है जो इसके मुंह में अपने आप आते, तो ये ऐसे घेरती है उसको, घेर के पानी को अपने मुंह में ले लेती है, उसी से सांस भी आता है इसको और उसी से इसका पेट भी भरता है ना। और ये देखिए ये कैसे, ये रीफ, हमने कोरल रीफ की बात करी थी, ये कोरल रीफ पे बहुत ज्यादा जाती है, वहां पे अपने आप को जैसे हमारे ब्यूटी पार्लर होते हैं ना, इसका ब्यूटी पार्लर है कोरल रीफ, कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप ये देखिए एक वीडियो देखिए। One of the highlights of this area is a feeding and cleaning station where the giant manta rays come. And the giant manta rays here are upwards of 25 feet across. The reef where it sweeps off down here into the sand is going to let us find some of these giant manta rays. Just try to be really patient and quiet and hopefully we'll A, see them, and B, they'll actually come in close to us. I don't think anything quite prepared me for seeing how big the manta rays were. And yet, when you come in close to them, they're not threatened and they're almost intrigued. Look at this thing. Has it ever been? It really seemed like they liked our company. And I know that seems strange, but at times, they seem to come to us. This just made my week. It's exactly like being in an air show, and it's almost like watching a squadron of stealth bombers spinning around and flying a circuit above you. They seem to enjoy the fact that we were underneath them, looking at them from very close. And at one point, I had a manta ray come down. I was lying on my back on the sand, and this manta ray came down literally on top of me. And I was sandwiched between 1 ton of fish and the sandy bottom of the sea. Oh my God, what a crazy experience. Holy crap, it's coming right over to me. These mantas are part of the shark family, so you can look into its eyes, it's swimming with it and it's watching you, and you get a sense of understanding, you get a sense of whole wisdom in its eyes. Diving with the manta rays was definitely one of the highlights of the trip. Such an amazing, graceful creature, and just so trusting. आपने देखा कितना खूबसूरत है ना, कितनी जेंटल है, उस आदमी के ऊपर ही आ गई और उसको कुछ कहा नहीं उसने, ना उस आदमी ने उसको कुछ कहा, कितनी खूबसूरत चीज है, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा इसको देख के। और देखिए ये जो छोटा सा कीड़ा है ना, ये इसका खाना है, इसको बोलते हैं ज़ूप्लैंकटन। संसार में जितने भी, अगर ये चीज खत्म हो जाए, ये वाला कीड़ा खत्म हो जाए, तो मेरे ख्याल से सारी मछलियां खत्म हो जाएंगी, जितनी भी समुद्र में प्राणी है सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट कीड़ा है जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। और ये वहां पैदा होता है जब ये अगर पानी पानी का मौसम टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, और ये कम हो रहे हैं, जब ये कम होंगे तो इनको ऊपर खाने वाली जितनी प्राणी है वो सब कम होते जाएंगे, है ना, पेंगुइन्स खत्म हो जाएंगी हमारे और सील्स खत्म हो जाएंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पर्यावरण के गर्म होने से इसको बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था कि इतना बड़ा प्राणी, आपने देखा कितना बड़ा था, इंसान आदमी से 3-4 गुना बड़ा था, वो इस छोटे से प्राणी को खा के जिंदा रहता है, 10 mm का जरा सा कीड़ा है, दिखता भी नहीं है आप उसे, वो खाता है।
और ये देखिए कैसे ब्यूटी पार्लर है इसका, कैसे सफाई करने आते हैं, और देखिए उसमें कैसे अनुशासन है। एक मछली ने बदतमीजी करी है, उसकी दूसरी मछली ने उसको कैसे डांटा है कि तूने इसको क्यों तंग किया, वो भी देखिए। इसका मतलब संसार में ये जानवरों में भी एक अनुशासन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ कर सकता है ना। देखिए, These are the beauty salons of the reef, and they're often run by a pair of ras, small fish with a stripe. ये जो मछली है इसको रास मछली बोलते हैं। ये रास मछली सारे जितने भी वहां पे जो बड़ी बड़ी प्राणी है, ये ब्यूटिशियन मान लीजिए, ये वहां के पानी के ब्यूटिशियन है। जब कोई भी प्राणी को लगता है कि मेरे ऊपर अब बहुत सारे पैरासाइट्स आ गए, यानी कीट पतंगों से नुकसान करने वाली चीजें हैं, काई जम गई है मेरे ऊपर, तो वो इसके पास आएंगे, और ये जो है पूरा मेड पेडिक्योर मैनिक्योर सब कुछ करके दिखाएगी, है ना। देखिए कैसे करती है। रनिंग फ्रॉम हेड टू टेल, दीज कमिटेड क्लीनर्स रेगुलरली टेंड टू अ होस्ट ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स। They provide a vital service, removing the dead skin and parasites from outside and even inside their clients' bodies. It may seem like a thankless task, but the cleaner fish are getting a good meal out of it. And of all their clients, the manta rays are their star customers. The manta rays surrender themselves completely. Within seconds, a host of fish rush to their side. Each fish tends to a very specific part of the manta's body. And the cleaning can last a full hour. ये मछली अपने आप आ जाती हैं, और जैसे ही आती हैं वो छोटे छोटे सब सफाई करने के लिए, इनके डेड स्किन खाने के लिए, जो इनके ऊपर दूसरे परजीवी हैं उनको खाने के लिए सब आ जाते हैं, और ये बिल्कुल आराम से वहां खड़ी रहती है। देखिए वो जो एक मछली थी जिसके मुंह में वो घुस गई, वो मछली बड़ी खतरनाक मछली शिकार करती है, पर वो उसको भी पता है कि अगर मैंने इसको खा लिया तो मेरी सफाई कोई नहीं करेगा, इसलिए वो उसको कुछ कहती नहीं है। देखिए उसके मुंह में घुस के आ गई और उसने उसको कुछ कहा नहीं। इसी तरह से ये भी, इसको भी देखिए कैसे सफाई करते हैं। For the most part, the service is second to none, but occasionally the cleaners can get a little carried away. A female ras has taken a nibble out of the man. अब एक मछली आप देखिए, यहाँ पे एक मछली ने इसको काट लिया, छोटी मछली ने इस, उसको इतना था कि इसकी सफाई करते इसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करनी थी। उसने क्या सोचा कि मैं इसको काट लेती हूँ, खा लेती हूँ, थोड़ा सा मीट खा लेती हूँ इसका। अब उसने काट तो लिया तो वो रे चली गई वहां से। And to raise flesh. अब काटा था उसको क्या हुआ? She's broken the rules. And there's a price to pay. Her partner chases after her. It's the cleaner fish equivalent of a stern telling off. If the bite is a one-off, the manta ray will return. But research has shown that if it happens too often, the pair risks driving regular visitors away. तो ये देखिए कैसे अनुशासन है ना। एक मछली ने उसको काट लिया तो दूसरे ने उसको डांटा, तूने हमारे कस्टमर को क्यों भगा दिया, है ना, कस्टमर आए थे हमारे, तुमने कस्टमर को नाराज कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको डांटा, वो उसको पिटाई करी उसकी, वो छुप गई जाके, है ना। तो ये देखिए कितना अद्भुत वहां पे एक बैलेंस है इस तरह से। और अब ये जो रे मछली है ये बहुत कलर्स और पैटर्न्स में आती है, इसके बहुत से रूप हैं, बहुत से कलर्स हैं, और वो सब डिपेंड करता है कि ये किस जगह रह रही है, कैसे उसका एटमोसफियर जहाँ पे रहने वाला है वो कैसा है। जैसे आप यहाँ देखें ये मछली जो है ये ब्लू स्पॉट वाली है, इसके ऊपर ब्लू स्पॉट है, पर आप इसके आसपास का इलाका देखिए वो भी लगभग ब्लू ही है, तो इसने इसलिए अपना कलर ऐसा करके रखा है ब्लेंड होने के लिए, ताकि उस जगह में वो घुल मिल जाए और दिखे नहीं, दुश्मन को दिखे नहीं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, मैंने कुछ फोटोज लगाई हैं आपके लिए, आप देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न है इसका। देखिए ये मोजाइक स्टिंगरे, ये देखिए फ्लावर जैसा है, फूल जैसा, फ्लावर स्टिंगरे, डायमंड, ब्लैक डायमंड स्टिंगरे। अब एक प्रॉब्लम है कि हमें सब चीज एक सी दिख रही है, जितनी भी रे है मैं आपको एक दिख रही है, पर इसमें ना एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रे और स्केट्स में दूसरी होती है स्केट, वो भी देखने में ऐसी है, देखिए दोनों है, ये स्केट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में रे है, दोनों देखने में एक सी लग रही है, पर दोनों में चार मेजर डिफरेंस है। सबसे पहली बात, इनका शेप देखिए, जो
स्केट होगा उसका मुंह आगे से तिकोना होगा, है ना, ये नोक जैसा होगा, तीर जैसा, और जो रे होगी उसका मुंह गोल होगा। हैं ये सब रे फैमिली की ही, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो स्केट है ये क्या करती है, ये अंडा देती है, है ना, मैं इसका अंडा भी दिखाऊंगा आपको कैसा होता है, बड़ा स्पेशल है। उस अंडे को बोला जाता है मारमेड का पर्स। मारमेड एक वो माइथोलॉजिकल कहानी है कि जल परी जिसे बोलते हैं, जल परी, है ना, पानी के अंदर परियां होती हैं, वो कहानियों में बोलते हैं, उसका पर्स है जी, वो देखने में पर्स जैसा लगता है, इसलिए उसको बोला ये मारमेड का पर्स है। तो वो जो स्केट है वो अंडा देती है, जबकि जो रे है वो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। और इनकी पूंछ देखिए, जो रे है उसकी पूंछ पतली होगी, है ना, और उसपे कईयों में कांटा होता है, कईयों में डंक नहीं होता, पर जो रे जो स्केट है उसकी पूंछ थोड़ी मोटी है और ज्यादा लंबी नहीं है। और आपने इनका मुंह भी देखा किस तरह कहता है, ये देखिए, ये तिकोना शेप है इसका, और इसकी पीठ पे कांटे हैं, इसकी पूंछ पे डंक नहीं है, पूरी पीठ पे कांटे हैं, पूरी पीठ पे। तो ये स्केट है, एक तरह की रे है पर स्केट वाली रे है। ये देखिए इसका तिकोना मुंह है तो ये स्केट कहलाएगी। इसकी पूंछ देखिए, इसका मुंह देखिए, तो आप बता सकते हैं, कि आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं मैं जानता हूं ये स्केट है ना, आपकी नॉलेज के लिए मैं दिखा रहा हूं। पर ये जो है इसके देखिए पूंछ पे डंक दिख रहा है आपको, यहाँ मेरा एरो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये पूंछ भी लंबी है, इसका मुंह भी गोल है और इसकी पूंछ पे एक डंक भी है। तो ये रे है, स्केट नहीं है, ये रे है। और ये एक आप कहेंगे यार साहब ये आप मुझे ये फिर शार्क मछली क्यों दिखा रहे हैं, पर ये शार्क नहीं है, ये भी एक रे है, ये रे है। कैसे है मैं आपको बताऊंगा। और ये इंडियन ओशन में, हमारे हिंद महासागर में और पैसिफिक में मिलती है, 9 फुट लंबी तक हो सकती है। और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका कलर चेंज होता चला जाता है, जब बड़ी हो जाती है तो बड़े सुंदर सफेद पैच इस पे आ जाते हैं। और आप इस पे देखेंगे कि देखिए इसकी ये जो पीठ है ना यहाँ, और ये जो है ये इससे, और ये जो किनारे हैं फिन्स के, इन पे कांटे हैं, ये अपनी रक्षा के लिए इसको कांटे मिले हुए हैं। पर ये बड़ी खतरे में है, बहुत डेंजरस में है। क्यों डेंजर में है, क्योंकि हम लोग जो है ना मछुआरे, इसकी ये जो इसके जो फिन्स हैं, ये जो फिन्स हैं यही इसकी जान के आफत है। लोग इस फिन्स को काट लेते हैं, पूरी मछली को नहीं लेते, सिर्फ इस फिन को काट के निकाल लेते हैं और बाकी मछली को फेंक देते हैं, ऐसी शार्क के साथ करते हैं, क्योंकि उसका सूप बनाया जाता है, उस सूप के लिए इनको मार देते हैं, इनकी इन डंक को मार। देखिए इस तरह से इसका फिन निकाल लिया जाता है काट के, बाकी मछली को फेंक देते हैं। ये देखिए कितने फिन्स इन्होंने इकट्ठे करे हैं, तो यानी कितनी शार्क और कितने रे मार दिए इन्होंने। हम लोग सच में बहुत नुकसान करते हैं, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए सब देख के इंसान को, कि देखिए हम कितना कितने जानवरों को कितनी मेरे ख्याल हजारों मछलियां होंगी ये जो मार दी हैं, उनको बेचने के लिए उनके फिन्स को लेके आए हैं, और बाकी मछली को ऐसे काट के समुद्र में वापस फेंक देते हैं। कितने दुख की बात है, पता नहीं आपको दुख आ रहा है कि नहीं, पर मुझे तो बहुत दुख लगा इसको देख के, जब मैंने देखा कि कैसे हम लोग कितने क्रूर हो सकते हैं, कि हमने अपने पेट के लिए खमकर हमें खाना भी था तो पूरा यूज करना चाहिए, ये क्या है, इसको आधा सिर्फ फिन्स लिया मतलब सॉल्व किया बाकी फेंक दिया। और ये देखिए अब हम वापस इस पे आते हैं, तो जो ये बच्चे को जन्म देती है, जो रे बच्चे को जन्म देती है, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, और ये बच्चा पैदा होते ही तैरना शुरू कर देता है ना, अपनी माँ के साथ रहता है काफी दिनों तक। और जो ये देखिए ये है वो पर्स जो मैं आपको बता रहा था, जलपरी का पर्स, इसको मारमेड पर्स बोलते हैं, ये स्केट का अंडा है, है? अब ये देखिए ये तकरीबन 1 साल ऐसे ही पड़ा रहेगा पानी के अंदर, साल तक रह सकता है, पानी का मौसम अगर ठंडा है तो 1 साल तक रहेगा, अगर पानी का मौसम थोड़ा गर्म है तो कम टाइम में हैच हो जाएगा, है ना। और ये कैसे हैच होता है आप देखिए, देखा आपने कैसे अंडा कैसे हैच हुआ, ये तकरीबन 1 साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है। और ये समुद्र के किनारे अगर आप कभी जाएंगे, कभी घूमने जाएंगे, तो हो सकता है आपको किनारे में ये पड़ा हुआ मिल भी जाए। इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं मरमेड पर्स, या ये वैसे असली में आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं ये स्केट मछली यानी एक तरीके की रे मछली का अंडा है। और ये बड़ी अच्छी छुपन छुपाई खेलते हैं, आप लोग छुपन छुपाई खेलते हैं ना, ये भी बहुत अच्छी छुपन छुपाई खेलते हैं, पानी के अंदर छुपने के लिए बहुत अच्छे हैं ये, कैसे इनको बचना है और शिकार भी करना है दोनों के लिए बहुत अच्छी छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं, देखिए आपको इसमें दिख रहा है कहीं मछली है, देखिए पर ये यहाँ पे है, इसकी दो आंखें दिख रही हैं और ये शेप थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी पूरा मट्टी में छुपी हुई है। ये देखिए इसने इसका जो मट्टी का रंग है वही रंग इसका है, बिल्कुल छुपी हुई है। एक वीडियो देखिए कैसे छुपती है, छुप गई ना, पूरी छुप गई, देखिए बस उसकी आंख आंख रह गई, बाकी पूरी छुप गई है। और अगर आप अब जाएंगे तो आपको दिखेगी नहीं, और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण बहुत से लोग चोट खा जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में आगे भी, हमारे पास कितना टाइम हम चल रहे हैं तो। और ये जो मछली है ये सबसे, अब जो मैं मछली आपको दिखा रहा हूं इसको बोलते हैं डेवल रे, डेवल बोलते हैं शैतान को ना, सींग वाला शैतान, ये इसको डेवल रे बोलते हैं, पर इसका नाम खतरनाक है, पर ये मछली बहुत शांत है, इसका नाम ही नाम खतरनाक है। और ये सबसे गहरा डाइव मारने में ये सबसे तेज है, सबसे गहरी 3 किलोमीटर पानी के नीचे तक जा सकती है, 2 से 3 किलोमीटर पानी के अंदर चले जा सकती है। और ये भी लगातार तैरने वाली मछली है, इसको बोलते हैं डेवल्स रे। और ये बहुत मजेदार है, ये पानी में सबसे तेज चलने वाले प्राणियों में से एक प्राणी है, ये बहुत तेज पानी में तैर सकती है और बहुत अच्छी कलाबाजी भी खाती है, देखिए उड़ती भी पानी के बाहर आ जाती है उड़ते उड़ते। और क्यों आती है ये आज तक किसी को नहीं पता, पर कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, पर आप देखिए इसके बारे में कितनी खूबसूरत तरीके से ये चल रही है। Mobula rays are often seen off Baja. अमूमन क्या है ये मबुला रेज है, ये भी रे है, इसको बोलते हैं मबुला रे। ये जो मेंटा रे हमने देखी थी ना, इसके भी वैसी दो हैं, पर ये थोड़ी छोटी होती है मेंटा रे से, मेंटा रे बहुत बड़ी होती है, ये थोड़ी सी कम होती है, पर ये एक साथ इतनी सारी एक साथ जो है पहली बार देखी गई, आती है झुंड में पर इतना बड़ा झुंड आज तक नहीं देखा गया था, और ये एक साथ आई है, देखिए। But this year is one for the record books. Exactly why they're here is not known. But tens of thousands of rays have come together in an epic gathering. Quite possibly the largest school ever filmed. Wings over 2 meters from tip to tip, why not fly?
and then they vanish as quickly as they appeared. देखा कमाल की चीज थी कि एक साथ आए इतने पहली बार इतनी बड़ी झुंड देखा गया क्यों आए नहीं पता और कितना उन्होंने नाटक किया डांस किया उछले कूदे और फिर एक सेकंड में सब अपने अपने घर चले गए है ना छुट्टी हो गई स्कूल की सब अपने घर जाओ छुट्टी हो गई स्कूल की ऐसा लग रहा है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे हम मेरे ख्याल ये लास्ट स्लाइड देखेंगे देखते हैं कितना टाइम हमारे पास है ये इलेक्ट्रिक ईल है इलेक्ट्रिक रे ये करंट मारने वाली है ये बहुत बड़ी नहीं होती छोटी होती है ज्यादा से ज्यादा 6 फीट की होती है जो बहुत बड़ी वाली सबसे बड़ी जो है वो 6 फीट की है और ये सबसे छोटी वाली उम्र में से या ये जो कि 6 इंच की भी हो सकती है आधा फुट की इतनी सी हो सकती है और ये इतना करंट बना सकती है 8 वोल्ट से लेके 220 वोल्ट यानी हमारे घर में जो पंखा एसी चलता है ये 220 वोल्ट पे चलते हैं इतना करंट बना सकती है ये मछली और ये मट्टी में रहती है मट्टी का जैसा इसकी आंख छोटी होती है क्योंकि इसको शिकार करने के लिए देखने की जरूरत नहीं है है ना बाकियों को जैसे बड़ी आंखें थी इस वाली रे की सबसे छोटी आंख है और ये करंट मार के इसका ये आप देख रहे हैं इसका ये जो शेप है वो बड़ा है काफी तो जो भी इसको नीचे मिलता है ये उसको ऐसे ऊपर बैठ के करंट मार देती है और वो बिल्कुल शॉक में हो जाता है फिर उसको ये खा सकती है तो ये और ये सबसे छोटी होने के बाद भी सबसे खोटी है ना सबसे नोटी है ये अगर ये आपको पानी में मिल जाए तो हो सकता है कई बार ये आदमी को दौड़ाती भी है उसके पीछे भागती है इसको डर नाम की चीज नहीं है क्योंकि इससे सब डरते हैं करंट मार देती है तो ये खाती क्या है ये छोटी मछलियों को छोटे कीड़ों मकोड़ों को ऐसी चीजों को खाती है ना पर ये कई बार देखा गया इसके जो करंट मारना का कारण क्या है इसके जो बॉडी के नीचे दो राजमा की तरीके के दो ऑर्गन्स हैं ये करंट बनाते हैं और ये करंट इतना तेज है मैंने आपको बताया कि आदमी को भी बेहोश कर सकते हैं है ना तो आप कैसे ये देखिए ये एक वीडियो दिखा इलेक्ट्रिक रेज आर ए ग्रुप ऑफ कार्टिलेजिनस फिश दैट आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक दे हैव टू किडनी शेप्ड इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑन देयर हेड Depending on the species, their shock can produce 8 to 220 volts of electricity. The strongest shock can knock a human unconscious. These rays are usually found near muddy or sandy sea floors. They propel themselves through the water using their tail. An electric ray's diet depends on the species, but may include animals like halibut, herring, and worms. Their mouth is filled with round teeth, and their jaw can expand to swallow large fish. Their eyes are small, so they rely on electroreceptors called ampullae of Lorenzini to detect prey. Electric rays may bury themselves in the sand and ambush prey with an electric shock by wrapping their disc around the prey. They might also drift over unsuspecting fish and stun them. The largest species of electric ray, called the Atlantic torpedo ray, ये सबसे बड़ी वाली है जो 6 फीट की होती है ये अटलांटिक ओशन में मिलती है ये सबसे बड़ी है इसको जो भी इलेक्ट्रिक वाली ये रेज है इनको टॉर्पेडो भी बोला जाता है टॉर्पेडो वाली ई इनकी आप पूंछ देखिए पीछे से कैसी है ना जैसे बाकी रेज की थी बिल्कुल नोकीली थी इसकी ये अपने पंख से नहीं उड़ती ये पूंछ की मूवमेंट से चलती है इसलिए इसको टॉर्पेडो ई रे बोला गया क्योंकि टॉर्पेडो जो बम होता है ना टॉर्पेडो एक बम होता है जो सबमरीन से या जहाज से पानी के नीचे नीचे मारा जाता है दूसरी शिप को मारने के लिए तो उसके पीछे एक पंखा होता है जो टॉर्पेडो को जब फायर करते हैं तो उसके पीछे वाला पंखा उसको आगे लेके जाता है तो उसी तरह से इसकी जो पूंछ है पीछे की वो इसको आगे लेके जाती है इसलिए इसको टॉर्पेडो बोला गया है ना और ये सबसे बड़ी वाली ये है देखिए आगे Can reach over 6 feet long, while the smallest electric ray only grows to around a foot. Rays are ovoviviparous. This means that embryos develop inside eggs and remain inside their mother's body until they are ready for live birth. Young are already born with the ability to give off electric charges. Females can give birth to anywhere from a couple to over a dozen juvenile rays. Electric rays can be aggressive and have few natural predators due to their electric defense. They've even been known to chase after divers.
Some species migrate over long distances. Electric rays are sometimes used in medical research. Their meat can be eaten if their electrical organs are removed. Some ancient civilizations believed that the shock of an electric ray could treat things like headaches, and electric rays are a group of civilizations believed that the पुराने यूनान में ये विश्वास था, ये माना जाता था कि अगर इलेक्ट्रिक रे के शॉक आप ले लें तो आपके अगर सर में दर्द है तो सर दर्द से ही हो जाएगा। वैसे तो करंट लगेगा तो वैसे ही सर दर्द भाग जाएगा ना। किसी को करंट लगा दे हम तो सर दर्द तो वैसे ही भाग जाएगा, होश उड़ जाएंगे उसके। और दूसरा ये भी माना जाता था, जैसे गठिया की बीमारी होती है, घुटनों की गठिया की बीमारी जो होती है, गांठें हो जाती है, उसका भी इलाज के लिए इसका करंट काम आता था। ये लोग मानते थे उस जमाने में।